जय भारत एंड हेलो डियर एडुटेंस। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री पोर्शन का सेकेंड चैप्टर, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के 7 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव कॉमन। मतलब क्या हर एसिड के अंदर कोई एक चीज कॉमन होती है, क्या हर बेस के अंदर कोई एक चीज कॉमन होती है? सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, क्या हर एसिड में कोई एक चीज कॉमन होती है, क्या हर बेस में कोई एक चीज कॉमन होती है, वो समझने के लिए हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे फ्रेंड्स एक बीकर या फिर एक बड़ा कंटेनर, और उसमें सेंटर में हम रखने वाले हैं यहाँ पे एक कॉर्क। फ्रेंड्स, ये एक रबर कॉर्क है और वो खुद एक इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, मतलब कि उसमें से करंट पास नहीं हो सकता है, हम जानते हैं ये चीज। नाउ फ्रेंड्स, ये जो रबर कॉर्क है उसके अंदर मैं रख रहा हूँ दो आयरन नेल्स को। ओके, अब यहां पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एसिड्स और बेस में कोई चीज कॉमन होती है या नहीं उसको समझने के लिए हम यहां पे डिफरेंट सॉल्यूशंस लेंगे। हम लेने वाले हैं HCl, H2SO4, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, साथ में हम लेने वाले हैं ग्लूकोज एंड अल्कोहल। ओके, इन सबको फ्रेंड्स हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन इस बीकर के अंदर रखते जाएंगे और उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और देखेंगे यहां पर क्या होता है। ओके, तो ये जो आयरन नेल्स है फ्रेंड्स, उसके साथ हमने लिया है यहाँ पे एक सॉल्यूशन, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है, इनिशियली ये जो HCl का एक्वस सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, इसको हमने यहाँ पे रख दिया है। ओके, तो इस कंटेनर के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, HCl का एक्वस सॉल्यूशन। नाउ फ्रेंड्स, इसके साथ हम ले रहे हैं एक बैटरी, फिर उसके साथ हम ले रहे हैं एक बल्ब। नाउ ये जो दो आयरन नेल्स हैं, ये आयरन नेल 1 और ये आयरन नेल 2, दोनों को हम बैटरी और बल्ब के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो यहां से देखिए, हमने एक वायर बैटरी के साथ कनेक्ट किया और जो आयरन नेल 2 है वहां से एक वायर थ्रू स्विच हमने कनेक्ट किया है बल्ब और बैटरी के साथ। ओके, नाउ फ्रेंड्स, ये जो HCl का एक्वस सॉल्यूशन है जो हमने यहां पे लिया है, ओके, उसको हमने यहां पे क्यों लिया है, यहां पे हम कुछ समझना चाहते हैं। क्या समझना चाहते हैं? तो देखिए, ये जो रबर कॉर्क है फ्रेंड्स, वो क्या है, वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी के करंट जो है वो पास नहीं होगा। नाउ अगर हम यहां पे स्विच ऑन करेंगे, मान लीजिए हम यहां पे स्विच ऑन कर रहे हैं, की को अगर प्लेस करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, तो जब स्विच ऑन होगी तो हमें एक बात पता है फ्रेंड्स कि जब इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट अगर पास होता है किसी चीज से, तो वो एक कंप्लीट सर्किट होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए हमें पता है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे ध्यान से देखिए फ्रेंड्स कि जो आयरन नेल 2 है और आयरन नेल 1 है, यहां पे आयरन नेल 2 और आयरन नेल 1 के बीच में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब जो करंट पास होने वाला है उसको कंप्लीट सर्किट उसको कंप्लीट करने के लिए कोई फिक्स पाथ उसके पास अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहां पे आयरन नेल 2 और आयरन नेल 1 के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अगर ये दोनों एक साथ जुड़ी हुई होती तो सीधा करंट यहां से पास हो सकता था इस तरीके से, लेकिन ये जो दो आयरन नेल्स हैं उनके बीच में यहाँ पे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, और उनको हमने जिस चीज के साथ जोड़ा हुआ है वो क्या है, रबर कॉर्क है, और वो खुद भी क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता है कि करंट जो है वो आयरन नेल 2 से कॉर्क में जाके आयरन नेल 1 में से पास होते हुए वापस बैटरी में जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो अब बात यह है फ्रेंड्स कि ये जो हमने HCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है, अब ये पिक्चर में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आयरन नेल्स है फ्रेंड्स, वो किसके अंदर है, वो सबमर्ज हो चुकी है HCl के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। मतलब जब करंट पास होगा, मान लीजिए करंट का डायरेक्शन जो है वो ये वाला है, फॉर एग्जांपल ये वाला करंट का डायरेक्शन है। ओके, तो जब करंट आयरन नेल 2 के टू तक पहुंचेगा, उसके बाद ये जो एक्वस सॉल्यूशन यहां पे आप देख रहे हो, वो सॉल्यूशन अगर कंडक्टिंग मटेरियल होगा, यहां पे जो सॉल्यूशन है अगर वो कंडक्टिंग मटेरियल होगा, तब उस केस में करंट जो है वो आयरन नेल 2 से पास होते हुए आयरन नेल 1 तक पहुंचेगा, फिर वहां से वो वायर के थ्रू बैटरी तक पहुंच जाएगा। तो यहां पे हम जो डिफरेंट सॉल्यूशंस ले रहे हैं फ्रेंड्स, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये जो सॉल्यूशंस हम यहां पे ले रहे हैं उसमें से करंट पास हो सकता है या नहीं, यानी कि वो कंडक्टिंग मटेरियल है या नहीं। ओके, अच्छा, तो हमने यहां पे क्या किया है, HCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया है। चलिए अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहां पे स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, स्विच को हम यहां पे प्लेस करते हैं, तो उस केस में क्या होगा चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने यहां पे स्विच ऑन किया, स्विच को वहां पे की को प्लेस किया वहां पे, तो हम देख सकते हैं कि बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट हो गया है। बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि
आयरन एल टू से आयरन एल वन तक करंट जो है वो इस डायरेक्शन में पहुंच रहा है, और आयरन एल टू से वन तक करंट तभी पहुंचेगा जब ये जो हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है वो क्या होगा, कंडक्टिंग मटेरियल होगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जब हमने HCl का एक्वा सॉल्यूशन लिया है तो बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमने लिया था यहाँ पे HCl का एक्वा सॉल्यूशन, ओके, और HCl जो है फ्रेंड्स उसके अंदर दो आयंस होते हैं, कौन से आयंस होते हैं, HCl में होते हैं H प्लस आयन और होता है Cl माइनस आयन। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि HCl का एक्वा सॉल्यूशन में से करंट पास हो रहा है, इसका मतलब जो HCl है उसमें से H प्लस आयन जो है वो रिलीज हो रहे हैं, क्या रिलीज हो रहा है, H प्लस आयन जो है रिलीज हो रहे हैं, और ये जो रिलीज होते हुए H प्लस आयन है उनकी वजह से यहाँ पे करंट जो है पास हो रहा है। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जब भी किसी सॉल्यूशन में से करंट को पास करना है तो उसमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयंस होने कंपलसरी है, ठीक है, करंट को पास करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस उसमें होने कंपलसरी है, अगर यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो करंट जो है यहाँ पे पास नहीं होगा, मतलब कि आयरन एल टू से आयरन एल वन तक करंट जो है नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है वो अगर कंडक्टिंग होगा तभी करंट पास हो पाएगा, अगर जो आपने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है वो कंडक्टिंग नहीं है, मतलब कि उसमें अगर आयन प्रोड्यूस नहीं होते हैं तो उस केस में करंट जो है वो टू से वन तक पहुंचेगा ही नहीं, तो वो सॉल्यूशन जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होगा, क्लियर। तो HCl जो है फ्रेंड्स वो एक कंडक्टिंग मटेरियल है, मतलब कि उसमें से करंट पास हो सकता है, मतलब कि उसमें आयंस प्रोड्यूस होते हैं, और उसमें कौन से आयंस प्रोड्यूस होते हैं, तो उसमें से H प्लस NCl माइनस आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो हमें यहाँ पे कौन सी चीज मिली, हमें यहाँ पे मिला कि उसमें H प्लस आयन जो रिलीज हो रहा है। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब हम HCl को छोड़ के H2SO4 इसमें ऐड करते हैं, तो देखते हैं कि जब हम H2SO4 को ऐड करते हैं तो उस केस में क्या होता है। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम HCl को निकाल के H2SO4 को ऐड करेंगे तो अगेन बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी जो H2SO4 केस में बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जो H2SO4 है उसमें से भी आयंस का फॉर्मेशन होगा या फिर इसका आयनाइजेशन होगा, आयनाइजेशन होना मतलब उसमें से आयन का पास होना, सॉरी आयन प्रोड्यूस होना, तो यहाँ पे कौन से आयन प्रोड्यूस होंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से 2 टाइम्स H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे और सल्फेट आयन SO4 माइनस प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे भी H प्लस आयन निकल रहा है, मतलब HCl और H2SO4 दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में H प्लस आयन जो है वो कॉमन है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि H प्लस आयन जो प्रोड्यूस हो रहा है। सेकेंडली फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों तो एसिड्स हैं, तो यहां से एक बात हम समझ में आ रही है फ्रेंड्स कि एसिड्स जो होते हैं उनके अंदर एच प्लस आयन जो है वो कॉमन होता है। अब आप कोई भी एसिड उठा कर देख लीजिए फ्रेंड्स, H3PO4 देख लीजिए, H2SO4 देख लीजिए, HNO3 देख लीजिए, सबके अंदर एच प्लस आयन तो होने ही वाला है। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है हमें फ्रेंड्स कि जो एसिड्स होते हैं उसमें एच प्लस आयन प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ले रहे हैं NaOH। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए कि NaOH एंड CaOH ये दोनों क्या है, हम जानते हैं फ्रेंड्स कि ये दोनों जो है वो बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों क्या है, बेस है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ये H2SO4 को निकाल लेंगे, ठीक है, फिर पूरे एपरेटस को अलग अलग कर देंगे, फिर इसमें NaOH का सॉल्यूशन ऐड करेंगे, फिर एपरेटस जो है उसको सेटअप करेंगे और फिर उसमें से करंट पास हो गया या नहीं वो चेक करेंगे। ओके तो फ्रेंड्स जैसे ही हमने NaOH को इसमें डाला तो उस केस में क्या होगा, चलिए वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमने NaOH को इसमें डाला है तो उस केस में भी जो बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, बल्ब का ग्लो करना इसका मतलब क्या है कि उसमें से आयन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब कि हमारा जो एक्वा सॉल्यूशन है उसका आयनाइजेशन हो रहा है, उसमें से आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जब करंट पास करना है किसी भी सॉल्यूशन में से तो उसमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयंस का होना कंपलसरी है, वो आयंस के थ्रू ही करंट जो है वो पास होता है। ओके तो हमने यहाँ पे लिया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर उसका आयनाइजेशन होगा तो उसमें क्या होगा, तो फ्रेंड्स उसमें से हमें मिल रहा है Na प्लस आयन और उसमें से मिलता है OH माइनस आयन। ओके तो जो NaOH है फ्रेंड्स उसका अगर हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया है, अगर वो बल्ब ग्लो कर रहा है, उस केस में अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो मतलब उसमें से OH माइनस आयन जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्लियर। अब क्या करेंगे, ऑब्वियसली NaOH को निकाल कर हम ऐड करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। ओके तो फ्रेंड्स जैसे ही हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे, की को प्लेस करेंगे, तो अगेन बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका आयोनाइजेशन हो रहा है और उसमें से हमें Ca2 प्लस आयन और 2 टाइम्स OH माइनस आयन जो मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स NaOH और CaOH ट्वाइस दोनों बेस है, दोनों का जब हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया तो वहां पे बल्ब ग्लो कर रहा है, तो
तो दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों का आयोनाइजेशन होता है, और जब दोनों का आयोनाइजेशन होता है तो उस केस में OH माइनस जो है वो दोनों में से निकलता है। मतलब दोनों में कॉमन चीज कौन सी है, NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों बेस है, तो दोनों में कॉमन चीज कौन सी निकली फ्रेंड्स, दोनों में कॉमन चीज है OH माइनस, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहां से हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी बेस जो होता है उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो कॉमन होता है, मतलब वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, अगर बेस है तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होगा। क्लियर? अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब हम यहां पे ले रहे हैं ग्लूकोज एंड अल्कोहल। ओके, ग्लूकोज जो है फ्रेंड्स उसका फॉर्मूला है C6H12O6, और शायद आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो ग्लूकोज है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, मतलब इसमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इसका मतलब ये है कि यहां पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कब होता है, जब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। HCl की बात करें, H2SO4 की बात करें, NaOH की बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, उस केस में फ्रेंड्स एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। जब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वहां पे आयंस प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा है, यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अगर आप बात करेंगे ग्लूकोज की तो उस केस में होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उस केस में आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जब आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है, चलिए वो देखते हैं कि अगर हमने ग्लूकोज को यहाँ पे रखा हुआ है तो उस केस में क्या होगा। जैसे ही हम यहाँ पे ग्लूकोज का सॉल्यूशन रखेंगे तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हो, अगर आप ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हो तो जो वाटर आप यूज करेंगे वो डिस्टिल्ड वाटर को यूज करेंगे, नॉर्मल टैप वाटर को हम यूज नहीं करेंगे। अगर आप नॉर्मल टैप वाटर को यूज करेंगे तो उस केस में बल्ब जो है ग्लो करेगा, क्योंकि नॉर्मल टैप वाटर के अंदर डिफरेंट आयंस जो है प्रोड्यूस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर डिस्टिल वाटर है फ्रेंड्स तो उसमें आयंस जो है प्रोड्यूस नहीं होते हैं, मतलब जो डिस्टिल वाटर है उसमें कोई बाहर से किसी और आयन तो जो है वो उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन उसका खुद का भी आयनाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं तो हम ये जो एक्वस सॉल्यूशन है प्रिपेयर करेंगे डिस्टिल वाटर के अंदर। ओके, तो जब हमने यहाँ पे ग्लूकोज का डिस्टिल वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे रखा तो उस केस में बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें H प्लस और OH माइनस आयन जो है प्रोड्यूस नहीं होता है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ग्लूकोज के अंदर भी हाइड्रोजन तो है लेकिन फिर भी उस केस में H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, उसमें भी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों है फिर भी उसमें से OH माइनस आयन जो है प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। मतलब एसिड और बेस जो है फ्रेंड्स उसमें से एक चीज में पता चल रही है कि अगर एसिड है तो उसमें H प्लस आयन कॉमन होगा, अगर बेस है तो उसमें OH माइनस आयन जो है कॉमन होगा। ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों होने के बावजूद उसमें से H प्लस और OH माइनस आयन रिलीज नहीं होगा, और जब H प्लस और OH माइनस आयन रिलीज नहीं होगा तो उसमें से करंट जो है पास नहीं होगा, इसलिए बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम ले रहे हैं फ्रेंड्स अल्कोहल, अल्कोहल C2H5OH, यह है इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है ये? इथेनॉल। फ्रेंड्स हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है। ओके, तो अल्कोहल में से हमने लिया है इथेनॉल, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं इथेनॉल। ओके, ये लिक्विड स्टेट में ही होता है। ओके, तो इसका हमें एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो अगर इथेनॉल जो है फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पे रख देंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो इथेनॉल है उसका फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। ओके, तो ये इथेनॉल बोलिए या फिर अल्कोहल बोलिए फ्रेंड्स, उसके अंदर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो अगेन वहां पे आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, तो जब हम अल्कोहल को या फिर इथेनॉल को इसमें रखेंगे तो अगेन हम देखेंगे कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है, देखिए यहां पे भी OH है तो यहां पे OH माइनस आयन प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन H प्लस और OH माइनस आयंस आर नॉट रिलीज, नहीं हो रहे। तो फ्रेंड्स किसी भी सॉल्यूशन में करंट कब पास होगा, जब उसमें से आयंस का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे अल्कोहल जो फ्रेंड्स है उसमें, क्योंकि अल्कोहल जो है उसमें पूरा कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, और वो कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है या फिर करंट जो है पास नहीं हो पाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से वहां पे आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए करंट जो है पास नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो यहां से एक बात हमें समझ में आ रही है फ्रेंड्स कि अगर कोई एसिड है तो उसमें H प्लस आयन जो है वो कॉमन होगा, अगर कोई बेस है तो उसमें OH माइनस आयन जो है वो उसमें यहां पे OH माइनस आयन जो है उसमें कॉमन होगा।
क्लियर। अच्छा, और ऐसे भी कंपाउंड्स हैं फ्रेंड्स जिसमें हाइड्रोजन भी होता है, जिसमें OH भी होता है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हाइड्रोजन होगा तो वो H+ के फॉर्म में रिलीज होगा ही होगा, और अगर OH होगा तो वो OH- के फॉर्म में रिलीज होगा ही होगा, क्योंकि अगर कोर एंड बॉन्ड बनाया हुआ है तो उस केस में H+ और OH- का आयन जो है वो रिलीज नहीं होंगे। तो कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है वो सारे कंपाउंड एसिडिक नहीं होते हैं, कोई भी कंपाउंड जिसमें OH प्रेजेंस है वो सारे कंपाउंड बेस नहीं होते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर उसमें OH है तो वो बेस होगा ही होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर उसमें हाइड्रोजन है तो वो एसिड होगा ही होगा। अगर वो H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन को रिलीज करता है तो वो एसिड होगा, अगर वो OH- आयन के फॉर्म में हाइड्रोक्सिल समूह को, हाइड्रोक्सिल जो हमारा हाइड्रोक्सिल आयन जो है उसको अगर रिलीज करेगा तो ही वो बेस जो है वो बनेगा। क्लियर। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड्स, इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे दो डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स इनिशियली ले रहे हैं, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब है उसमें से एक टेस्ट ट्यूब में हम ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl, और जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब है फ्रेंड्स उसमें हम ले रहे हैं डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। अब क्या करेंगे तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सोडियम क्लोराइड टेस्ट ट्यूब में है उसके अंदर जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड था उसको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसके ऊपर हम लगा देंगे कॉर्क, फिर क्या करेंगे इसको हटा के जो NaCl और H2SO4 दोनों का जो मिक्सचर है यहाँ पे क्या है, ये जो है वो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, और ये क्या किसका सॉल्यूशन है हमारे पास, डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का है। तो इस टेस्ट ट्यूब में से हम निकालेंगे एक डिलीवरी ट्यूब और उसके सामने हम लेके आएंगे एक ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए हमने लिया है NaCl और लिया है H2SO4, मतलब दोनों के बीच में यहाँ पे कोई रिएक्शन होगा तभी हमने लिया है इसको। ओके, तो क्या होता है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लिया है NaCl और उसके अंदर हमने ऐड किया है H2SO4, तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों के बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, मतलब कि जो NaCl है उसमें से क्या निकलेगा, उसमें से कौन से आयन्स होते हैं, उसमें होते हैं Na+ आयन और Cl- आयन। H2SO4 में क्या होता है फ्रेंड्स, H2SO4 में होते हैं 2 टाइम्स H+ आयन्स और SO4 2- आयन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, पहले कंपाउंड का पॉजिटिव आयन सेकेंड कंपाउंड के नेगेटिव आयन के साथ जाएगा और सेकेंड कंपाउंड का पॉजिटिव आयन पहले कंपाउंड के नेगेटिव आयन के साथ जाएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H प्लस Cl माइनस, क्या फॉर्म होगा फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्म होगा HCl। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आप उसको बैलेंस कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स यहाँ पे वो ये है कि हमें यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या लिया है, देखिए हमने यहाँ पे लिया है सॉल्ट और उसमें हमने ऐड किया है एसिड। तो जब हमने सॉल्ट प्लस एसिड किया तो उसमें से हमें यहाँ पे क्या मिला, Na2SO4 फ्रेंड्स, अगेन ये भी एक सॉल्ट है तो मतलब हमें मिला यहाँ पे न्यू सॉल्ट, क्या मिला, न्यू सॉल्ट। और HCl, HCl क्या है, वो तो एसिड है, मतलब हमें यहाँ पे मिला है न्यू एसिड। लेकिन यहाँ पे ये जो HCl फॉर्म होता है फ्रेंड्स वो फॉर्म होता है गैसीय स्टेट में, इसको ध्यान रखना है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे जो HCl हाइड्रोक्लोरिक निकल रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड निकल रहा है फ्रेंड्स, वो गैसियस फॉर्म में होता है, मतलब अगर वो गैसियस स्टेट में है तो क्या मैं उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ। हम यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी किस टाइम पर शो करते हैं, कैसे शो करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब H2SO4 और NaCl हमने लिया हुआ है, दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने से यहाँ पे हमें मिल रहा है HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। नाउ ये जो गैस है फ्रेंड्स ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू होते हुए बाहर निकलेगा। अब अगर ये जो HCl है फ्रेंड्स वो अगर इसका नेचर अगर एसिडिक होगा, देखिए बहुत सिंपल है, अगर इसका नेचर एसिडिक होगा तो ये HCl गैस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ये तो हमें पता ही है। अगर ये HCl गैस उसमें उसका एसिडिक नेचर उसके पास अभी प्रेजेंट है तो जब ये HCl गैस पास होगा इस ब्लू लिटमस पेपर में से तो क्या होगा, ये जो HCl गैस है उसकी वजह से जो लिटमस पेपर है वो रेड कलर में टर्न हो जाएगा। लेकिन जब हम इस टेस्ट ट्यूब के सामने रखते हैं ड्राई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ड्राई, जब हम यहाँ पे रखते हैं ड्राई ब्लू लिटमस पेपर तो उस केस में जो लिटमस पेपर है उसके कलर में हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है।
ध्यान दीजिएगा, जब हम HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब हम पास करते हैं ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर से, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर से, तो उस केस में एसिड जो है, या फिर मतलब जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, वो अपना एसिडिक नेचर शो नहीं करता है। मतलब कि यहाँ पे लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर में टर्न नहीं होता है। अब इससे आगे हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सेम चीज रखते हैं, हमने लिया है NaCl, हमने लिया है H2SO4, दोनों के बीच में रिएक्शन हो गया, क्या फॉर्म हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। नाउ इसके सामने फ्रेंड्स, अब हम रखते हैं वेट ब्लू लिटमस पेपर, मतलब हमने जो लिटमस पेपर उसको वेट कर दिया है, थोड़ा गीला कर दिया है पानी से, ओके। अब यहाँ पे जो HCl गैस प्रोड्यूस होने वाला है वो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू होते हुए इस लिटमस पेपर के ऊपर जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स। तो आप देखोगे कि स्लोली 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 ये जो लिटमस पेपर है वो रेड कलर में टर्न हो रहा है। क्या हो रहा है, जो लिटमस पेपर है वो ब्लू से रेड कलर में टर्न हो रहा है। तो पहले वाले केस में और इस केस में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, पहले वाले केस में हमने लिया था ड्राई लिटमस पेपर और सेकेंड वाले केस में हमने लिया है वेट लिटमस पेपर। तो दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है कि जो वेट है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो जब HCl जब गैसियस स्टेट में होता है तब वो अपना एसिडिक नेचर शो नहीं करता है, लेकिन जब हम HCl को वेट लिटमस पेपर के ऊपर से पास करते हैं, मतलब हम HCl का बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि वो HCl रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। तो जब HCl का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उस केस में वो अपना एसिडिक नेचर शो करता है, ओके। तो चलिए इससे जुड़ी हुई कुछ बातें जो है डिस्कस करते हैं, दैट देयर इज नो चेंज इन कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। जब ड्राई लिटमस पेपर लिया था तो उस केस में कलर में कोई चेंज देखने को नहीं मिला था। नेक्स्ट, वेट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, ये भी हमने देख लिया, ओके। नाउ ड्राई HCl गैस हैज नो हाइड्रोजन आयन इन इट। जब फ्रेंड्स HCl के फॉर्म में हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है तो उस केस में इसमें H+ और Cl- आयन नहीं होते हैं, यहां पे उनके बीच में फॉर्म हुआ होता है फ्रेंड्स कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, आप यहां पे जिसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि ये HCl के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड जो है किस तरीके से फॉर्म होता है, ओके। तो जब ड्राई स्टेट में HCl होता है फ्रेंड्स तो उस केस में उसमें H+ आयंस नहीं होते हैं। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया इससे पहले वाले टॉपिक में कि एसिड अपना एसिडिक प्रॉपर्टी तभी शो करेगा जब उसमें से H+ आयन रिलीज होंगे, क्लियर। तो ड्राई HCl जो है फ्रेंड्स उसमें से H+ आयन रिलीज नहीं हो रहा है, मतलब कि वो उस टाइम पे एसिड के एसिड की तरह वो रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, व्हेन HCl गैस, ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन HCl गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स हाइड्रोजन आयन दैट इज H+ आयन एंड हेंस शोज एसिडिक बिहेवियर। मतलब सिर्फ HCl नहीं फ्रेंड्स, अगर हमारे पास कोई भी एसिड है अगर उसका हम एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो उस केस में ही वो अपना एसिडिक नेचर जो है वो शो करेगा, मतलब उस केस में ही वो H+ आयन को रिलीज कर पाएगा। अगर जो हमारा एसिड है जैसे हमने लिया यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो अगर HCl गैस के फॉर्म में है, ओके, उसमें वाटर का कोई भी कंटेंट नहीं है, तो उस केस में वो अपना एसिडिक नेचर जो है वो शो नहीं करेगा, क्लियर। क्यों ऐसा, वो इसलिए क्योंकि जब हम एसिड का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उस केस में उसमें से H+ आयन जो है वो रिलीज होते हैं, और अभी हमने पहले देखा कि अगर H+ आयन रिलीज होंगे तो ही वो एसिड कहलाएगा, क्लियर। तो HCl गैस जो है फ्रेंड्स वो जब सिर्फ गैसियस स्टेट में होता है तो उसमें से H+ आयन रिलीज नहीं होता है, जब उसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तब उसमें से H+ आयन रिलीज होता है, मतलब HCl गैस जो है वो एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा, लेकिन जब HCl का हम एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तभी वो एसिडिक नेचर शो करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रिएक्शन क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमने HCl गैस को लिया था और उसको जब हमने डिजोल्व किया वाटर के अंदर तो उसमें से H+ NCl- आयन से रिलीज होते हैं। तो जब हम HCl यानी कि जो हमारा HCl गैस था उसको जब हमने वाटर में ऐड किया, यानी कि जब हम HCl+H2O करते हैं, तो उस केस में यहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, याद है सबको, क्या डिस्कस किया था हमने, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पे क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये H2 के साथ कंबाइन हो जाता है,
इसलिए यहाँ पे एक्चुअली फॉर्म होता है H3O प्लस आयन प्लस फॉर्म होता है यहाँ पे Cl माइनस आयन। H प्लस आयन उसमें से रिलीज होता है, लेकिन हमें पता है फ्रेंड्स कि जो S प्लस है वो अनस्टेबल होगा क्योंकि ये प्रोटॉन है, और इसको ये जो अनस्टेबल है उसकी वजह से क्या होगा कि जो H2O है उसमें जो ऑक्सीजन है उसके जो दो जिससे पहले बॉन्ड नहीं बनाया हुआ था ऐसे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके साथ ही H प्लस जो कंबाइन हो जाएगा और फॉर्म करेगा H3O प्लस। हमने डिस्कस किया है फ्रेंड्स आगे वाले लेक्चर्स के अंदर कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है H3O प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन, क्लियर। और ये आयंस का फॉर्मेशन होने की वजह से अब जो हमारा एसिड है वो अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो इनिशियली क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम HCl को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो उसमें से रिलीज होता है H प्लस एंड Cl माइनस आयन। नाउ द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। H प्लस और Cl माइनस आयन जो कब रिलीज होंगे, जब वो वाटर के प्रेजेंस में होंगे तभी, ठीक है। ओके सो फ्रेंड्स अब इससे आगे क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि HCl जो है उसको जो हमें वाटर में ऐड करते हैं तो वो वाटर में डिजोल्व होने के बाद H3O plus NCl minus आयन हमें देते हैं, क्लियर। तो ये H plus जो है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि H plus जो है वो अनस्टेबल होता है इसलिए वो वाटर के साथ कंबाइन होकर फॉर्म कर देता है H3O plus। तो यहां से फ्रेंड्स हमें क्या समझ में आया, हमें ये बात समझ में आया कि जब कोई भी एसिड होता है उसका जब हम एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तभी वो अपना एसिडिक नेचर जो है वो शो करता है। क्यों? क्योंकि जब एसिडिक नेचर शो करने के लिए उसमें से H प्लस आयन रिलीज होना कंपलसरी है, और H प्लस आयन तभी रिलीज होते हैं जब उसमें हम वाटर को ऐड करते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको लेक्चर में समझ में आया होगा, और अगर फ्रेंड्स आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल अद्वैत अचीवर्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स हम प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है तो आप हमारा एप्लीकेशन अद्वैत अचीवर्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए फ्रेंड्स आप हमारी वेबसाइट advaitachievers.com के ऊपर विजिट भी कर सकते हैं। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय भारत एंड विद्यार्थी देवो भवः।